में महबूबा मंत्रिमंडल में बदलाव, निर्मल सिंह की जगह लेंगे कविंदर गुप्ता। देश भर में मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व, पीएम मोदी ने दी बधाई। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, पीएम बोले भगवान बुद्ध का संदेश दूर तक फैला। देश के हर गांव तक पहुंच गई बिजली, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया ऐतिहासिक दिन। मणिपुर के लिसांग गांव में बल्ब जलते ही भारत बन गया अंधेरे से मुक्त देश। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा नारद गूगल के सर्च इंजन की तरह थे। जहानाबाद में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच के लिए एसआईटी गठित। सीबीआई की नेशनल काउंसिल से वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी, कन्हैया लाल को मिली जगह, सुधाकर रेड्डी फिर बने महासचिव। सिक्किम के पवन चामलिंग बने भारत के सबसे अधिक समय तक राज करने वाले सीएम, ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार के पूर्णिया में यूको बैंक के 35 लॉकरों से 10 करोड़ का सामान गायब, पुलिस को बैंक मैनेजमेंट पर शक। गुजरात में गौ रक्षकों से पीड़ित दलितों ने अपनाया बौद्ध धर्म, एक साथ 300 परिवारों ने छोड़ा हिंदू धर्म, कहा हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में आए उम्मीदवारों के सीने पर लिख दिया SC ST, जांच के दिया आदेश। युवती से दुष्कर्म के आरोपी CRPF के 3 जवान सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर हुआ खुलासा। नीतीश कुमार ने की डॉक्टर लोहिया को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग, पीएम मोदी को लिखा पत्र। नेपाल में भारत द्वारा विकसित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में विस्फोट, 11 मई को पीएम मोदी ने करना है उद्घाटन। पाक की एक और नापाक हरकत, 26/11 हमले के मुख्य वकील को केस से हटाया। सिलसिलेवार बंद धमाकों से थर्राया काबुल, 5 लोगों की मौत। डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को भारी डिस्काउंट देगी केंद्र सरकार, GST बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के 148वें जन्मदिवस पर गूगल ने डूडल बनाकर किया याद। यूथ ओलंपिक्स क्वालिफायर में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, महिला टीम को सिल्वर।